हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस लिटरेरी थियरिस्ट फर्डिनांड दी सिश्योर की। फर्डिनांड दी सिश्योर ने 1916 में एक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक नाम की एक किताब पब्लिश कराई और इसी किताब से, इसी बुक से इंग्लिश क्रिटिसिज्म के अंदर एक नए दौर की शुरुआत हो जाती है, जिसको स्ट्रक्चरलिज्म के नाम से जाना जाता है। और ये जो इनकी बुक पब्लिश की गई थी, ये दरअसल इनकी एक लेक्चर सीरीज थी जिनको इन्होंने जेनेवा यूनिवर्सिटी में 1906 से 1911 के बीच में दिया था। यानी इनके लेक्चर्स थे और इनके इन लेक्चर्स को इकट्ठा करके एक किताब के रूप में पब्लिश करा दिया गया था 1916 में। दोस्तों, 1959 में इस किताब का ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ और इन्होंने, फर्डिनांड दी सिश्योर ने इस बुक के अंदर ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से हर बिल्डिंग का, हर चीज का, चाहे वो मशीन हो या चाहे वो फिजिकल चीजें हो, जैसे कि फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, जितने भी फिजिकल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज हैं, इसी तरह से लैंग्वेज का भी एक सिस्टम होता है, उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। तो फर्डिनांड दी सिश्योर ने इंग्लिश क्रिटिसिज्म के अंदर एक न्यू थ्योरी की शुरुआत की थी जिसको हम स्ट्रक्चरलिज्म के नाम से जानते हैं। इसमें फर्डिनांड दी सिश्योर ने बताया है कि लैंग्वेज भी एक सिस्टम है, जैसे दूसरी चीजों का एक सिस्टम होता है, किसी मशीन का एक सिस्टम होता है, किसी बिल्डिंग का कोई सिस्टम होता है, इसी तरह लैंग्वेज भी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं। वेरियस कंपोनेंट्स माने कि जिसके बहुत सारे हिस्से होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, और ये यूनिट्स एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे के साथ में रिलेशन में होती हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि फर्डिनांड दी सिश्योर ने लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की बात की है कि लैंग्वेज का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है और ये स्ट्रक्चर छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बनता है। इसके थ्योरी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्डिनांड दी सिश्योर ने जो अपना पहला टर्म दिया है, वो उन्होंने दिया है डायक्रोनिक स्टडी। उन्होंने कहा है कि इस स्टडी को, अगर लैंग्वेज को अगर हमें स्टडी करना है, लैंग्वेज को समझना है, तो हमें लैंग्वेज की पूरी तारीख को भी समझना होगा, उसकी पूरी हिस्ट्री को समझना होगा, और जो इस समय जो करंट स्टेट चल रही है, जो कि प्रेजेंट चल रहा है, हमें उसमें भी उस लैंग्वेज को समझना होगा, तभी हम किसी लैंग्वेज की फुल एंड फाइनल नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। अब इसको हम फर्डिनांड दी सिश्योर की भाषा में समझते हैं। फर्डिनांड दी सिश्योर ने दो टर्म दिए, डायक्रोनिक स्टडी एंड सिंक्रोनिक स्टडी। डायक्रोनिक स्टडी में उसने कहा कि किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए उसकी हिस्ट्री को जानना जरूरी है। आप उसको अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग समय पर उसको समझें। आप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो आप चौसर को पढ़ें कि चौसर ने किस तरह की लैंग्वेज यूज की है, उसके बाद में शेक्सपियर ने किस तरह से उसी लैंग्वेज को यूज किया है, उसके बाद में मिल्टन ने कैसे यूज किया, फिर अलेक्जेंडर पोप ने कैसे यूज किया, फिर रोमांटिक्स ने कैसे यूज किया। तो इस तरह से अगर आप लैंग्वेज को समझना चाहते हैं तो आपको उसकी हिस्ट्री का पता होना चाहिए, और लैंग्वेज की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए इन्होंने एक टर्म दिया है डायक्रोनिक स्टडी। डायक्रोनिक को मैंने ऐसे याद रखा था, डायक्रोनिक डी से शुरू है और डिफरेंट भी डी से शुरू है, यानी डिफरेंट टाइम पर, डिफरेंट एजेस में जब आप लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, अलग अलग समय पर जब आप लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, तो वो डायक्रोनिक स्टडी कहलाती है। सेकेंड टर्म फर्डिनांड दी सिश्योर ने दिया है सिंक्रोनिक स्टडी। उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज को हमें करंट स्टेट जो उसकी है, उसको भी समझना चाहिए। मैंने उसको ऐसे याद रखा था, सिंक्रोनिक एस से शुरू है और सेम
भी एस से शुरू है, यानी सेम टाइम जो चल रहा है, प्रेजेंट समय जो चल रहा है, या फिर किसी भी सेम टाइम पर, सेम समय पर हम लैंग्वेज की जब स्टडी करते हैं तो वो सिंक्रोनिक स्टडी कहलाता है। सिंक्रोनिक का मतलब ये होता है कि आप किसी लैंग्वेज की जो स्टडी करें, आप उसकी करंट स्टेट की बात अगर करते हैं तो उस समय वो सिंक्रोनिक, यानी एक समय पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर जब आप लैंग्वेज की स्टडी करते हैं तो वो सिंक्रोनिक स्टडी कहलाती है। इस बात को फर्डिनांड सिशोर ने एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, द फिल्म स्टार लुक्स ग्लैमरस, के जो फिल्मी सितारे हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, लुक्स वो दिखाई देते हैं कैसे ग्लैमरस, कि उनकी जिंदगी बहुत ही शान शौकत वाली दिखाई देती है और देखने में लगता है कि वो लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। तो कैसे दिखाई देते हैं? ग्लैमरस, बिल्कुल नवाबों की तरह शान शौकत वाले दिखाई देते हैं। वो ये कह रहे हैं, लेकिन अगर हम इसकी डायक्रोनिक स्टडी, जो वर्ड है ग्लैमरस, ये जो वर्ड है आप इसी को ध्यान रखें कि जो वर्ड है ग्लैमरस, अगर हम इसकी डायक्रोनिक स्टडी करें, यानी अलग अलग समय पर अगर हम इस वर्ड को देखें, तो अब से पहले ग्लैमरस जो वर्ड है उसका मतलब होता था विचेस, यानी चुड़ैल, शैतान, भूत, अजीब सी शक्लें जो होती हैं, उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता था ग्लैमर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लैमर की जो हिस्ट्री है वो आप ये लेते हैं, यानी विचेस। तो कहने का मतलब ये है कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से फर्डिनांड सिशोर ने बताया है कि किसी लैंग्वेज को जानने के लिए आपको उसकी डायक्रोनिक स्टडी, यानी अलग अलग समय पर भी आप उसको स्टडी करें, एंड सिंक्रोनिक स्टडी करें, यानी आप उसकी एक समय पर भी स्टडी करें कि एक ही समय पर लोग उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, उसका किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं। जो उसका थर्ड इम्पोर्टेंट टर्म है फर्डिनांड सिशोर का, वो है सिंटैग्मेटिक रिलेशन और पैराडिग्मेटिक रिलेशन। हालांकि जैसे डायक्रोनिक स्टडी और सिंक्रोनिक स्टडी का रिलेशन है, इसी तरह से सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक का रिलेशन है, इसको भी जानते हैं। फर्डिनांड सिशोर ने कहा है कि जब हम किसी लैंग्वेज को, किसी सेंटेंस को एक लाइन के अंदर पढ़ते हैं, एक सिक्वेंस में पढ़ते हैं, तब वो सिंटैग्मेटिक रिलेशन कहलाता है। वो कहता है सिंटैग्मेटिक सिस्टमैटिक लीनियर रिलेशनशिप, यानी जब आप एक सिस्टमैटिक लीनियर, बिल्कुल लाइन में, एक सिस्टम में, एक लाइन में जब आप किसी लैंग्वेज के एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, तो उस समय वो सिंटैग्मेटिक जो रिलेशन कहलाता है। इट कंसर्न्स विद पोजिशनिंग, यानी इसमें हम उसकी पोजिशन को पढ़ते हैं, उसकी जगह को, उसके स्थान को पढ़ते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, राम इज वर्किंग ऑन हिज टारगेट, कि राम अपने टारगेट पर काम कर रहा है। इसमें राम इसका सब्जेक्ट है, इज वर्किंग इसका ये पूरा वर्ब है, और ऑन हिज टारगेट ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये इनकी पोजिशन है, ये एक लाइन में सेंटेंस चल रहा है, एक लाइन चल रही है, और हर एक वर्ड अपने एक सिस्टम के तहत, अपनी पोजिशन के तहत सही पोजिशन में, सही स्टेट में रखा हुआ है। तो जब आप लैंग्वेज की एक लाइन के अंदर स्टडी करते हैं, कैसी स्टडी? जो कि बिल्कुल सिस्टमैटिक हो और लीनियर हो, तो उस समय वो सिंटैग्मेटिक रिलेशन कहलाता है। इसके अपोजिट अगर हम देखें तो पैराडिग्मेटिक रिलेशन होता है, यानी क्लास रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास और सेम कैटेगरी। इट कंसर्न्स विद सब्स्टिट्यूशन, ये किससे रिलेट करता है, किससे कंसर्न है? सब्स्टिट्यूशन, यानी एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड उसी के कैटेगरी का और उसी की क्लास का होना चाहिए। चलो आप इसको एक एग्जांपल से समझ लें। इसका आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर आप ऐसे स्टडी कर रहे हैं, ऐसे यानी ऐसे स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या है, कैसे स्टडी है? सिंटैग्मेटिक, यानी एक लीनियर, आप एक लाइन में चल रहे हैं जो कि एक सिस्टम के तहत ऐसे, तो ये क्या है? सिंटैग्मेटिक, यहां हमने लिख दिया है सिंटैग्मेटिक, ठीक है। और अगर आप ऊपर से नीचे, यहां अगर आप ऐसे आ रहे हैं, यानी आप वर्टिकली पढ़ रहे हैं लैंग्वेज को, तो वो कहलाती है पैराडिग्मेटिक, ठीक है। तो लैंग्वेज कई बार सिस्टमैटिक होती है, तो कई बार वो पैराडिग्मेटिक भी होती है। सिस्टमैटिक को आप याद रखना, सिंटैग्मेटिक को होरिजोनटल, यानी जब आप होरिजोनटल चलते हैं, होरिजोनटल माने एक लाइन में आप ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो ये कहलाता है सिंटैग्मेटिक। और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आते हैं, तो वो कहलाता है पैराडिग्मेटिक या वर्टिकल। ये इसका एग्जांपल है, देखें।
पैराडिग्मेटिक में होता क्या है कि आप इसमें सब्स्टिट्यूट रखते हैं, यानी एक वर्ड है तो आप उस वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी दूसरे उसी के जैसे वर्ड से, यानी जिसकी मीनिंग सेम उसी के जैसी हो। मैंने एग्जांपल लिया है द ब्रेव बॉय सा द वर्ड, यानी एक ब्रेव माने जो गंभीर होता है, यानी जैनवन जो सीरियस लोग होते हैं, कि एक सीरियस लड़के ने दुनिया को देखा। ठीक है, सा द वर्ड द आप लगा सकते हैं कि एक लड़के ने दुनिया को देखा। अब देखें ब्रेव के माने गंभीर और करेजियस के माने भी आते हैं गंभीर, तो मैं ब्रेव को इस करेजियस से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो देखें मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं ना, ये देखें करेजियस भी लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं द करेजियस बॉय सा द वर्ड, मैं लिख सकता हूं द फियरलेस, फियरलेस के माने भी यही होते हैं निडर, यानी एक द फियरलेस बॉय सा द वर्ल्ड। हेरोइक, हेरोइक माने भी निडर के आते हैं बहादुर के, द हेरोइक बॉय सा द वर्ल्ड, और डेयरिंग माने साहसी, द डेयरिंग बॉय सा द वर्ल्ड। तो देखें मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं, तो मैं ये क्या कर रहा हूं, वर्टिकली मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, तो हम इसको बोलेंगे पैराडिग्मेटिक। और मैं इसी के साथ साथ ऐसे भी चल रहा हूं द ब्रेव बॉय सा द वर्ल्ड, तो ये सिंटैग्मेटिक है। और ऊपर से नीचे मैं सा की जगह नोटिस लिख सकता हूं, साइट लिख सकता हूं, स्पोर्ट या स्पाई, वर्ल्ड माने दुनिया, ग्लोब माने दुनिया, प्लेनेट माने दुनिया, स्फेयर माने दुनिया, और सोइल माने दुनिया। तो यहां पर हम ये मीनिंग इसकी ले सकते हैं। तो किसी भी वर्ड को आप किसी से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बॉय माने लड़का, यूथ माने लड़का, लैड माने लड़का, टीनेजर माने लड़का, जूनियर माने लड़का, तो ये आप एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे सिंटैग्मेटिक में जब आप एक लाइन में स्टडी करते हैं, एक पोजीशन यानी पोजीशन पढ़ते हैं जिसके जो स्थान आपको उसी पे रखना होगा, और सिंटैग्मेटिक में हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, वर्टिकली हम स्टडी करते हैं। फर्डिनांड दी सिश्योर ने लैंग्वेज को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की है, और जो कि इसके बहुत इंपॉर्टेंट टर्म भी है, याद रखेंगे आप लोग। तो पहले को उसने जो पहला कंपोनेंट उसने लैंग्वेज का लिया है वो है द सेट ऑफ रूल्स, यानी जो लैंग्वेज है वो एक रूल का एक सेट है। उसने कहा था ना कि लैंग्वेज एक सिस्टम है, तो सिस्टम कब बनेगी, जब उसके रूल होंगे, उसके रेगुलेशंस होंगे, उसके कुछ नियम कायदे कानून होंगे, तभी तो वो सिस्टम बनेगी। तो फर्डिनांड दी सिश्योर ने कहा था द सेट ऑफ रूल के लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स होते हैं, और इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम वर्ड से सेंटेंस बना लेते हैं। हम वर्ड से सेंटेंस कैसे बनाते हैं, रूल ही तो फॉलो करते हैं, पॉजिटिव रूल, निगेटिव रूल, फर्स्ट टाइप रूल, सेकंड टाइप रूल। ठीक है, तो लैंग्वेज के अपने रूल होते हैं और उन रूल के माध्यम से ही हम सेंटेंस बनाते हैं, यानी जब हम किसी सर्टेन वर्ड को उसके सर्टेन जगह पर उसकी पोजिशन में रखते हैं तो एक सेंटेंस बन जाता है। और ये जो रूल है ये लैंग्वेज के जो बोलने वाले लोग हैं, उसके जो यूजर्स हैं, उसके जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, वो उनको चेंज नहीं करते, यानी जैसे मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ इसी तरह दूसरे लोग भी लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो लैंग्वेज के भी अपने रूल्स हैं, उसके भी अपना एक सिस्टम है, उसके भी अपने कुछ रेगुलेशंस हैं जिनका हम ख्याल रखते हैं। दिस ही टर्म्ड लैंग, और उसने इसको लैंग कहा, यानी जो ये रूल्स हैं जो सब के सब लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं वो लैंग कहलाता है। दूसरा उसने कहा एवरीडे स्पीच, यानी जो डेली बोली जाने वाली भाषा है और उसमें इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, यानी जब हम शब्दों को, वर्ड्स को एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में रखकर यूज करते हैं तब हम उसको एक नाम देते हैं पैरोल। आप इसको थोड़ा आसान समझ लें करके, यानी जब सभी लोग जिस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वो लैंग कहलाते हैं, सब लोग उसी तरह बोल रहे हैं तो वो कहलाता है लैंग। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअली एक इंसान है, मेरा बोलने का तरीका अलग है, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, तो ये जो इंडिविजुअली वे ऑफ स्पीकिंग है एक इंसान के बोलने का तरीका, वो कहलाता है पैरोल। और लैंग सब लोगों का सिस्टम है, जैसे कि यहाँ कहा है कि लैंग इज लाइक अ मैथमेटिकल टेबल्स, कि जो लैंग है वो एक मैथ की टेबल्स की तरह, जैसे हम पहाड़े पढ़ते हैं, पहाड़े याद करते हैं, गिनतियां याद करते हैं, तो लैंग तो इसी की तरह है। लेकिन जो पैरोल है वो उसके यूज करने का तरीका, कि आप उन रूल्स को यूज कैसे कर रहे हैं, उनका प्रयोग आप कैसे कर रहे हैं। अगर गुना कर रहे हैं आप, दो की गुना छह से करें तो कोई दो की छह से करेगा मल्टीप्लाई, तो कोई छह की दो से मल्टीप्लाई करेगा, ये अपना अपना तरीका है सबका। लेकिन
जो पैरोल है वो इंडिविजुअली हम कैसे बोल रहे हैं, हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं लैंग्वेज को, ये पैरोल कहलाता है। और जो सब लोग कर रहे हैं, जैसे कि सब लोग गिनती याद करते हैं तो सब वन से ही शुरू करते हैं, 100 तक जाते हैं। इसी तरह कोई भी इंसान पहाड़ याद करता है, 2 से याद करना शुरू करता है। तो ये लैंग है जो कि रूल एंड रेगुलेशन से आप इनको चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा फर्डिनांड दी सिश्योर ने लैंग्वेज के अंदर एक रिलेशन को दिखाने की कोशिश की है, और इसको हम उसकी रिलेशनल थियोरी भी बोलते हैं। तो फर्डिनांड दी सिश्योर की जो रिलेशनल थियोरी ऑफ लैंग्वेज है, उसमें उसने बताया है कि कोई भी शब्द हो किसी भी लैंग्वेज का, वो दूसरे शब्द से रिलेटेड होता है। एक शब्द, एक वर्ड दूसरे वर्ड से रिलेटेड होता है, उससे वो रिलेशन रखता है। इसी तरह एक वर्ड की मीनिंग भी दूसरे वर्ड की मीनिंग पर डिपेंड करती है। पहली बात तो एक वर्ड दूसरे वर्ड के पर डिपेंड करता है, दूसरी बात एक वर्ड की मीनिंग दूसरे वर्ड की मीनिंग पर डिपेंड करती है। ये बताया फर्डिनांड दी सिश्योर ने अपनी रिलेशनल थियरी के अंदर। उसने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। उसने कहा है कि कैट कैट है क्योंकि ये बैट और हैट नहीं है, कि ये जो कैट है ये कैट इसलिए है क्योंकि ये बैट और हैट नहीं है। तो देखें कैट, अगर हम बोल कर देखें कैट बैट हैट, ये सेम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के जैसे नहीं है। कैट कैट है क्योंकि वो बैट नहीं है और वो हैट नहीं है, ये रिलेशन है इनका आपसी। इसी तरह कहा कि कैट बैट एंड हैट आर द वर्ड्स इन द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, कि ये क्या है, लैंग्वेज का जो एक सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग कैट कैट है क्योंकि ये बैट नहीं है, और बैट बैट है क्योंकि ये कैट नहीं है, और हैट हैट है क्योंकि ये कैट और बैट कुछ भी नहीं है। तो ये कह रहे थे यहाँ पर कि वर्ड जो एक वर्ड है वो दूसरे वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। आप इनके प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, कैट बैट हैट, तो ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तभी तो ये वर्ड है। तो यूनिक कुछ भी नहीं है, एक जैसे वर्ड बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सिनोनियम्स होते हैं और बहुत सारे एंटोनियम्स होते हैं। इसके अलावा फर्डिनांड दी सिश्योर ने जो तीसरी बात कही है, उन्होंने कहा है कि जो मीनिंग है आर नॉट नेचुरल, कि किसी भी वर्ड का जो मीनिंग होता है वो नेचुरल नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, बट क्रिएटेड थ्रू रिपीटेड यूज एंड कन्वेंशन। बल्कि जब हम किसी वर्ड को रिपीटेडली यूज करते हैं, एक लंबे समय तक जब हम किसी वर्ड को यूज करने लगते हैं, तो वो चलन में आ जाता है और फिर उसका मीनिंग वही ले लिया जाता है। तो वो कहते हैं कि आर्बिट्रेरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप, यानी किसी भी वर्ड का वो मीनिंग नहीं है जो कि हम उससे लेना चाहते हैं, बल्कि लोग किसी वर्ड को बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 4 बोलते हैं, 1000 बोलते हैं, और लोग एक लंबे समय तक उसको बोलते चले जाते हैं, और आखिरकार वो मीनिंग उस चीज के लिए वो मीनिंग एक्सेप्ट कर ली जाए, वो वर्ड एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और फिर लोग उसको अपनी डिक्शनरी में यूज करने लगते हैं। आप इसको समझ रहे होंगे कि आप किसी इंसान का कोई नाम निकाल लेते हैं, सबसे पहले अजीब सा लगता है सुन के, लेकिन सबसे पहले आपने बोला, फिर दूसरे इंसान ने भी इसी तरह बोला, तीसरे ने भी बोला, आखिरकार 1 महीने बाद या 6 महीने बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस इंसान को उसी नाम से बोलने लगेंगे। ठीक है, तो यही बताना चाह रहे हैं फर्डिनांड दी सिश्योर कि आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप, कि किसी भी वर्ड में और उसके मीनिंग में जो एक रिलेशनशिप होता है वो आर्बिट्रेरी होता है, यानी रियल नहीं होता, बल्कि वो कैसा होता है, नेचुरल नहीं होता, बल्कि वो कह रहे हैं क्रिएटेड थ्रू रिपीटेड यूज एंड कन्वेंशन, एक लंबे समय तक यूज करने की वजह से वो उसके मीनिंग निकलने लगती है, बाकी उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं होती। इसके लिए उन्होंने कहा है कि द वर्ड और सिग्निफायर, उसके लिए वो कहते हैं कि जब हम कोई बात बोलते हैं, अपने मुंह से हम कोई बात निकालते हैं, कोई वर्ड निकालते हैं, तो वो सिग्निफायर कहलाता है। और वो जो सिग्निफायर है वो किसी चीज को बताता है, किसी थिंग को, किसी वस्तु को बता रहा होता है, और वो जो चीज हमारे माइंड में आ जाती है फौरन, वो सिग्निफाइड होती है। तो इसको उन्होंने बताया है कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा एप्पल, मैंने अपने मुंह से एक वर्ड निकाला एप्पल एप्पल,
तो आपके माइंड में किस चीज की पिक्चर आ गई, एक सेब की जो कि लाल कलर का है, अमरूद की तरह दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा डॉग, तो आपके माइंड में एक तस्वीर आ गई, एक कुत्ते की तस्वीर आ गई। तो उन्होंने कहा कि जब हम बोलते हैं तो वो सिग्निफायर है, बोलते हैं या फिर हम उसको लिखते हैं या हम उसको पढ़ते हैं वो सिग्निफायर है, और बोलकर चाहे पढ़कर या चाहे लिखकर जो तस्वीर हमारे माइंड में बनती है वो उसका सिग्निफाइड होता है। आप उसको कंसेप्ट बोलते हैं या सिग्निफाइड। तो सिग्निफायर जो हम लिखते हैं, जो हम बोलते हैं या जो हम देखते हैं, वो तो हो गया सिग्निफायर। सिग्निफाइड जो हम, जो हमारे माइंड में आता है, चाहे वो पढ़कर आए, लिखकर आए, देखकर आए, सुनकर आए, ठीक है, टच कर आए, ये सारा का सारा सिग्निफाइड होता है जो हमारे माइंड में आ जाता है। आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप आप समझ गए हैं, कह रहे हैं टुगेदर सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड कंस्टिट्यूट अ साइन, कि ये जो साइन है, साइन के दो भाग होते हैं, यहाँ पर आप बीच में साइन रख सकते हैं, और साइन के इधर ये सिग्निफायर और इधर सिग्निफाइड, तो ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। सिग्निफायर और सिग्निफाइड दोनों किससे जुड़े हुए हैं, साइन से, ठीक है, साइन से। तो कह रहे हैं सिश्योर साउंड वाज अ मटेरियल मैनिफेस्टेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, के जब इंसान बोलता है, साउंड माने आवाज, के जब इंसान बोलता है उसके मुंह से एक आवाज निकलती है, तो वो आवाज एक चीज को बताती है, कैसी चीज को, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, एक ऐसे कंसेप्ट को जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन उसकी तस्वीर आपके माइंड में है। आपने बोला सेब, अब सेब मेरी आंखों के सामने तो नहीं है, लेकिन फौरन उसकी माइंड में जो एक तस्वीर है सेब की, वो फौरन जाग जाती है, ठीक है। वर्ड्स आर साइंस दैट आर इनेबल अस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कह रहे हैं कि जो वर्ड्स हैं ये वही साइन है जो हमें किसी भी कंसेप्ट को या किसी चीज को समझने के लिए काबिल बनाते हैं, योग्य बनाते हैं। और बहुत अच्छी बात कही है जो है थियरिस्ट ने, फर्डिनांड सिश्योर ने, कि जो शब्द हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो एक यात्रा की तरह होते हैं, जैसे कि कोई यात्रा है और वो तुम्हें कहाँ लेकर जा रही है, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ या किसी कंसेप्ट की तरफ। यानी आप जब कोई वर्ड बोलते हैं तो एक ऐसे ट्रांसपोर्ट की तरह, एक ऐसी गाड़ी की तरह जो आपको वहां ले जाकर छोड़ देती है जो आपने बोला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला है कैट, मैंने बोला बिल्ली, तो फौरन ही बिल्ली का एक ट्रांसपोर्ट आएगा और वो मुझे बिल्ली के पास ले जाएगा। मैंने बोला डॉग मुझे आएगा माइंड, मैंने बोला या मैंने सुना या मैंने देखा डॉग लिखा हुआ, तो माइंड में फौरन ही एक ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा और डॉग की तस्वीर माइंड के अंदर आ जाएगी। ये कह रहे हैं कि ये जो सिग्निफायर है, ये हमारे माइंड के अंदर कंसेप्ट, और इन अवर माइंड के, हमारे माइंड के अंदर जो एक कंसेप्ट है वो उसको फौरन ही जगा देते हैं और उसको क्लियर कर देते हैं। कह रहे हैं कि बिटवीन वर्ड्स एंड मीनिंग इज आर्बिट्रेरी, के जो रिलेशनशिप है किसी भी वर्ड के बीच और उसके मीनिंग के बीच में, वो हमेशा आर्बिट्रेरी होती है, यानी नेचुरल कुछ भी नहीं होता, केवल एक आर्बिट्रेरीनेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वर्ड्स इन अ लैंग्वेज डोंट रिफर टू अ रियलिटी बट टू अदर वर्ड्स फ्रॉम विच दे आर डिफरेंट, ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज के जो वर्ड हैं वो रियलिटी को नहीं बताते, कुछ भी वास्तविकता नहीं है किसी भी वर्ड के अंदर, बल्कि वो वर्ड इसलिए हैं क्योंकि वो दूसरों से अलग हैं। कैट बैट से अलग है, और बैट हैट से अलग है, और हैट मैट से अलग है। तो किसी भी वर्ड का कोई मतलब नहीं होता, कोई रियलिटी किसी वर्ड की नहीं है, उनकी उनका मतलब और उनकी मीनिंग इसलिए है क्योंकि वो दूसरे शब्दों से अलग हैं। कह रहे हैं कि फर्डिनांड सिश्योर ने थ्री प्रिंसिपल्स का यूज किया है। सबसे पहले उन्होंने बोला है आर्बिट्रेरीनेस, दूसरा उन्होंने बोला है रिलेशनलिटी, और फिर उन्होंने बोला सिस्टमेटिसिटी। तो पहले उन्होंने कहा आर्बिट्रेरीनेस, कि लैंग्वेज के अंदर हमेशा क्या बनी रहती है, एक आर्बिट्रेरीनेस बनी रहती है। वही बात बार बार आ रही है कि वर्ड्स हैव नो रियल कनेक्शन टू देयर मीनिंग्स और थिंग्स दे डिस्क्राइब, कि वो वर्ड्स, वो शब्द मीनिंग से कोई रियल कनेक्शन नहीं रखते। यानी जो वर्ड बोले जा रहे हैं, जो शब्द मुंह से बोले जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, उनका मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर क्या है ये, द कनेक्शंस आर एस्टैब्लिश्ड बाय कन्वेंशन, के एक लंबे समय तक जो बोलचाल हुई है, जो कन्वेंशन हुआ है, उसी के समय में एस्टैब्लिश हुई है। यानी आपने किसी इंसान को, आपने कोई नाम दिया, ठीक है, तो एक लंबे समय तक, एक साल छह महीने तक आप उसको बोलते रहेंगे और लोग बोलते रहेंगे, और आखिरकार उसका वो नाम पड़ जाएगा, ठीक है। तो उस इंसान के बीच और उस वर्ड के बीच में कोई भी सिमिलैरिटी तो नहीं है,
लेकिन फिर भी आप बोलते रहते हैं, तो उस इंसान का वो मतलब वो नाम पड़ जाता है, और अगर कोई फिर भविष्य में उस नाम को बोलेगा तो एकदम से उसी इंसान की तस्वीर माइंड में आ जाएगी। इसी तरह हर चीज़ को ऐसे ही कहा फर्डिनांड दे सिशोर ने कि सबसे पहले किसी इंसान ने एक बिल्ली को, चार टांग वाली जो जानवर, उसको कैट कहा होगा, फिर दूसरे ने कैट कहा होगा, तीसरे ने कैट कहा होगा, 100 लोगों ने कैट कहा होगा, और आखिरकार ये कैट वर्ड डिक्शनरी के अंदर छप गया, प्रिंट कर दिया गया। लेकिन फिर भी अगर आप कैट लिखते हैं तो कैट के अंदर और जानवर के अंदर कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। एक बिल्ली के पूंछ होती हैं, चार टांगे होती हैं, आंखें होती है, शरीर पर उसके फर होते हैं, बाल होते हैं, रुआ होता है, लेकिन जब आप लिखते हैं कैट, CAT, कैट, तो कैट में तो ना पूंछ है, ना बाल है, ना टांग है, ना आंख है, कुछ भी नहीं है। यही कहना चाह रहे हैं फर्डिनांड दे सिशोर कि कैट जब लिखेंगे कोई सिमिलैरिटी नहीं है, और शायद बिल्ली को भी ये नहीं पता होगा कि उसको कैट कहा जाता है, लेकिन लोगों ने यूज किया है, एक लंबे समय तक लोग यूज करते रहे, तो आज उसको कैट बोला जाने लगा। ऐसे ही सभी एनिमल्स, हर चीज के साथ इसी तरह का रिलेशन है। दूसरा उन्होंने कहा रिलेशनलिटी, वर्ड्स मेक सेंस टू अस, के जो शब्द उनका मतलब हमारे लिए इसलिए होता है या उनकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि उनके अंदर एक रिलेशनलिटी, एक रिलेशन है, एक संबंध है, एक कनेक्शन है। और वो कनेक्शन क्या है? वो कनेक्शन ये है क्योंकि वो वर्ड एक दूसरे से अलग हैं। कैट कैट है क्योंकि वो मैट नहीं है, और मैट मैट है कि वो हैट नहीं है, और हैट हैट है क्योंकि वो बैट नहीं है। तो हर वर्ड के बीच में, चार लें या 10 लें या 20 लें, उनके बीच में ये रिलेशन हमेशा रहता है कि वो एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से जुदा होते हैं। ये कह रहे हैं कि जो शब्द हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, किस फॉर्म में, फॉर्म ऑफ डिफरेंस, के हमेशा एक दूसरे से अलग होते हैं, और उनके अपने, अगर अगर हम किसी वर्ड को सोचे कि भाई एक वर्ड अकेला क्यों नहीं हो सकता, तो इन्होंने कहा है कि अगर कोई अकेला वर्ड है तो नो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ देयर ओन, के उनका अपने आप में कोई मतलब नहीं होता, किसी वर्ड का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता जबकि वो दूसरे से कुछ डिफरेंस नहीं रखता। ठीक है, कह रहे हैं कि जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि हर वर्ड एक दूसरे वर्ड के अपोजिट होता है, उससे अलग होता है, और मीनिंग भी तभी निकल कर आती है सामने जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे रिलेशनलिटी, रिलेशन क्या है, आपस में कनेक्शन क्या है, कनेक्शन ये है कि सिर्फ ये एक दूसरे से अलग होते हैं। अब तीसरा जो बात कही, उन्होंने जो टर्म दिया है सिस्टमेटिसिटी, इन्होंने कहा है द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज और द सिस्टम इंश्योर वी रिकॉग्नाइज द डिफरेंस, के किसी भी लैंग्वेज का अपना एक सिस्टम होता है। जब आप उस सिस्टम को फॉलो करते हैं, आप उसको फॉलो करते हुए उन रूल को, रेगुलेशन को, और उन सिस्टम को फॉलो करते हुए आप पूरी की पूरी लैंग्वेज बना लेते हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि जो फर्डिनांड दे सिशोर ने जो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की बात की थी सबसे पहले, इस बात को और इस कंसेप्ट को बाद में क्लोड लिवी स्ट्रोस ने भी इसको, इस आइडिया को एडोप्ट कर लिया था, इसको ले लिया था, और उन्होंने फिर इसको रिचुअल्स पर अप्लाई कर दिया, मिथ पर अप्लाई कर दिया, एंड किनशिप पर अप्लाई कर दिया। यानी स्ट्रक्चर वाली बात जो फर्डिनांड दे सिशोर ने शुरू की थी उसको क्लोड लिवी स्ट्रोस ने लिया, रिचुअल्स पर, मिथ पर और किनशिप पर उसको अप्लाई किया। दिस क्रिएटेड डिसिप्लिन ऑफ स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, और अभी तक फर्डिनांड दे सिशोर ने तो केवल स्ट्रक्चरलिज्म की बात की थी, लेकिन क्लोड लिवी स्ट्रोस ने स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर एक नई बात की शुरुआत की। उन्होंने उसे कहा स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, रिचुअल्स की स्टडी करी, और उन्होंने मिथ की स्टडी की, किनशिप की स्टडी की, और स्ट्रक्चर के अंदर एंथ्रोपोलॉजी को उन्होंने अप्लाई कर दिया। इसके बाद में जो सोशर का आइडिया था उसको दूसरे यूरोप के जो दूसरे क्रिटिक थे या दूसरे जो लिंग्विस्टिक थे उन्होंने भी उसको काफी अप्रिशिएट किया था, और रशिया के अंदर उसको काफी उसकी प्रशंसा हुई, काफी लोगों ने उसको सराहना की, और रशिया के अंदर उन्होंने फर्डिनांड दे सिशोर के इस कंसेप्ट को, इस आइडिया को इस्तेमाल करते हुए एक नई थियरी ईजाद कर दी जिसको हम बोलते हैं रशियन फॉर्मलिज्म। रशियन फॉर्मलिज्म में लैंग्वेज की स्ट्रक्चर की बात उन लोगों ने की है। उम्मीद करते हैं
कि इस एक लेक्चर में ये जो कंप्लीट फर्डिनांड द सिश्योर के जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।